याहू हो गया ए? वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग का फेस्टिवल है। तो पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस वीडियो से इंस्पायर होके कुछ भी ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना घर में कहीं पर भी। आप ये सब जो हम करने वाले हैं ये सब में रिक्स है, जान भी जा सकते हैं। तो ये हम लोग आज फेस्टिवल है, इसीलिए हम लोग कम्युनिटी ये सब सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए हम ये सब कर रहा है, ना कि हम आपको इनक्रेज नहीं कर रहा है। तो बचे और ये सब ना करें। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज हम लोग का यहाँ पर हम लोंगसम बस्ती से, तो आज हमारे बस्ती में मिलेट फेस्टिवल चल रहा है 2024 का। ये मिलेट फेस्टिवल जो है वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल होता है हमको वांचो कम्युनिटी के। तो हम लोग अभी इसमें गुड़ी भरने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, उधर से बैरल से गुड़ी डालना पड़ता है, इधर इसको ऐसा करके। तो इसका अंदर से बारूद ना निकले इसलिए हम पहले इसको ब्लॉक करना पड़ता है। तो इसमें कपड़ा लगा देना है, ये हो गया ब्लॉक। तो अभी हमारा पास है ये बारूद है बॉक्स में, इसको थोड़ा सा क्वांटिटी हम दे देते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम टेस्ट करने दिखाएंगे अभी। बारूद ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, वो थोड़ा सा कम पड़ेगा आज फेस्टिवल, तो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको और प्रिपेयर करते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है हम आपको दिखाएंगे। इसको चाकू से इस तरह से ऐसे स्लाइस करना पड़ता है इसको, उसके बाद में इसको हीट करना पड़ता है। मानो कि 60 या 50 डिग्री सी टेम्परेचर में इसको एक बार हीट करना पड़ता है, तब जाके ये बंदूक में डालने लायक होते हैं। अदरवाइज इसको ऐसे ही डालने से आग तो पकड़ेगा क्योंकि ये फ्लेमेबल है, लेकिन उसमें फटने का मतलब बंदूक में चलने का पॉसिबिलिटी कम होते हैं। तो उस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसको हीट करना पड़ता है। तो ये काम करते समय ये काफ़ी रिस्की होता है, इसमें ये आग ध्यान रहना कि ये आग से दूर ही रहे और पानी से दूर रहे। पानी अगर लग गया तो ये ख़राब हो जाता है, बाद में आग पकड़ेगा नहीं। और ज़्यादा गर्मी हीट जगह में और आग के सामने में नहीं करना है, गलती से इधर आग की चिंगारी लग गया तो ये अभी ही एक सेकेंड में सब जल जाएगा। और सेफ्टी ज़रूरी होता है इसमें, ज़्यादा ऐसे ऊपर से नहीं देखना है, थोड़ा दूर से देखना है। और हो सके तो सनग्लास लगाते हैं इसको बनाते समय, क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और काफ़ी ख़तरा रहते हैं। तो हम कहते हैं ये रिस्की भरा काम है, तो आप ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना है। हम बस दिखा रहा है हम लोग कल्चर को प्रमोट करने के लिए। हम लोग वायलेंस के लिए यूज़ नहीं करता ये चीज़, हम लोग का कस्टम होता है, हम लोग का ट्रेडिशंस होता है, कुछ नियम होता है, उसका कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है हम लोग को, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहा है। तो ये सब क्या है एक्चुअली वो बाद में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, हम पूरा कहानी बता देंगे। तो ये अभी बारूद का फ्राई हो रहा है, यानी कि हीट कर रहा है, इसको इस तरह से सावधानी में रखते हुए करना पड़ते हैं। इसके सामने आग को नहीं लाना है, सर को सामने नहीं लाना है, माथा को इस तरह से दूर से हिलाए जाते हैं इसको। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं एक बार, इसको हम लोग इसमें जब शिकार करने जाते हैं तो इसमें पूरा फूल एक्टिव होता है। अभी हम टाइम पास के लिए ऐसे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट कंटिन्यू करें तो इसमें हाफ भी चल जाते हैं। तो हमारा बारूद तैयार हो चुका है, फिट करके आ गया है। इतना क्वांटिटी काफ़ी है, इतना अमाउंट इसके ऊपर से डालेंगे अभी। तो इस कपड़ा को भरना होगा हमें, ये कपड़ा को देना पड़ता है क्योंकि टाइट करना होता है इसको, टाइट नहीं होगा तो फटेगा नहीं ये।
हम चेक कर रहे यहाँ तक बारूद आ चुका है। अभी इसमें हम को थोड़ा सा माचिस का जो वो रेड कलर वाला माचिस होता है उसको थोड़ा सा मिक्स करना है, क्योंकि उससे जल्दी वो ज़्यादा सूखा रहता है, जल्दी आग पकड़ेगा। और इसमें कैप डाल देते हैं, जब ये ऊपर गिरेगा तो कैप फटेगा तो आग बनेगा, तो आग इसके अंदर से जाके बारूद में लगता है, जब बारूद में आग लगते हैं तो निकलते उधर, जब फटेगा तो साउंड आता है टूम। तो ये हो गया है, अभी काफ़ी केयरफुल होना होगा क्योंकि अभी हमें डालना है कैप, फाइनल फिनिशिंग देना है अभी। ये है कैप, इसके इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको दो पीस को यूज़ करना होगा, दो पीस हम काट देते हैं। एकदम केयरफुल रहना है इस समय, ये सबसे रिस्की वाला काम है, क्योंकि इस टाइम में ये करते समय गलती से ये गिर गया तो फट जाएगा ये इस टाइम। ना फटे इसलिए बीच में इसको लगाना पड़ता है, इसको लगा के ट्रिगर दबाएगा तो ये डाउन हो जाते हैं, तो ये अभी सेफ्टी है। तो इस तरह से हो गई है, तो अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए चला के देखते हैं, अगर ठीक ठाक होते हैं तो दोबारा हम ये लोडेड वाला है, ये गन लोडेड है, फुली लोडेड है, अभी हम इसको ट्राई करने के लिए टेस्ट करने के लिए चलाएंगे, उसका फिर आज प्रोग्राम के लिए तो फिर से नया भर के लिए जाना होगा। अभी बंदूक साफ होने लगेगी, इस तरह से हम चला के दिखाएगा। तो हम अभी फिर से दोहरा रहा है, ऐसा कुछ भी मत करना, हम गन कल्चर को हम इनकरेज नहीं करते, हम बस अपना ट्रेडिशनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अपना कल्चरल पर्पस के लिए। तो हम लोग तो बचपन से करते आ रहे हैं ये सब, इसीलिए हमें नॉलेज है, हम एक्सपर्ट है इस चीज़ में। तो आप ऐसा कुछ भी मत करना, बंदूक चलाने के तरीका होता है, एमिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, एम करते समय ये वाला जो है ये इसको बेस होता है, इसको इस तरह यहाँ पे कंधा पे रखना है, उसके बाद ये वाला आग बंद करना है, क्योंकि हम राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट आग बंद करना है, उसके बाद इस तरह से पोजीशन में आना है, उसके बाद यहाँ से दिखना है, या इस जगह से दिखना होता है, यहाँ पे आइस होना पड़ता है आपका, इस तरह से होते हुए ये वाला आग यहाँ का ये पोजिशन जो है ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे टिकमक यहाँ पर आना पड़ता है, तब जाके एम सही लगता है इसमें। अगर इसका और इसका पॉइंट व्यू पॉइंट सेम नहीं होगा तो वो निशाना छूक जाता है, तेरा बेकार होता है। और चलाते समय एकदम केयरफुल, एक हाथ यहाँ होंगे, दूसरा हाथ यहाँ होगा, आप यहाँ बैरल में नहीं पकड़ सकते, जब बंदूक चलते हैं तो ये एकदम गर्म होता है तो हाथ जल सकते हैं, तो ये वुड से बना हुआ है तो यहाँ पर आपको हाथ रखना होता है। और साथ याद है ये वाला जो है यहाँ पर सही लगे, अगर आप ऊपर ऐसे नीचे करेंगे तो जब फायरिंग होता है तो हीट होता है तो ये ऐसे इस तरह से बैग जाता है बंदूक, तो इस तरह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये आपको आग पे लग सकता है। और यहाँ से भी कभी कभी आग निकलते उसे भी बचना है, इसलिए थोड़ा दूर से भी मारना होता है इस तरह से। और जब बंदूक चलाते समय पोजिशन जो पीछे ऐसा नहीं होना है, थोड़ा आगे तरफ प्रेशर देना है, ताकि जब बंदूक पड़ते हैं तो पीछे हीट मार ये प्रेशर देते हैं तो आप ना गिरे इसलिए। तो ये तो है चलाने का तरीका, तो हम तो इस तरह से मारेंगे जिसमें गुगी ने हम एम नहीं कर रहे थे। ये तो हमको डरा रहे कैप थी सर, ये कैप सही पोजीशन में नहीं है इसलिए ये कैप नहीं फट रहा है, अगर कैप फटता तो ये इसमें आग बनता। हो गया तो ये है हमारा जवान लड़का का हाथ से होते, चलो हो गया। तो अभी हम चलते हैं, आज का हमारा ये तो जस्ट हम दिखा रहे हैं जाने से पहले प्रिपरेशन था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो देखते रहना नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में पूरा डिटेल आएगा, पूरा आज का फेस्टिवल का प्रोग्राम कैसे होते हैं सब दिखाएगा। तो हम चलते हैं अभी।